नमस्कार, मैं एम के सिंह और आप देख रहे हैं NHR न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि भारत सस्ती दवाई बनाने में विश्व का नंबर वन देश है और भारत का मेडिसिन हर गरीब देश खरीदता है क्योंकि वही दवाई कई बड़े बड़े देश दुगने दामों में बेचते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि भारत को नाइजीरिया और नेपाल से धमकी क्यों मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के कुछ गलत एक्सपोर्टर की गलत हरकतों की वजह से भारत को धमकी दी जा रही है। भारत के कुछ एक्सपोर्टर्स नकली दवाई बनाकर नाइजीरिया और नेपाल में बेच रहे हैं, जिस कारण वहां की जनता को काफी खतरा महसूस हो रहा है भारत की इन दवाइयों पर नकली पैकिंग कर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में भारत के ड्रग्स एक्सपोर्टर्स भारत का नाम खराब कर रहे हैं, जिस कारण नाइजीरिया और नेपाल की जनता भारत पर काफी ज्यादा अपना गुस्सा निकाल रही है और भारत को धमकी देने पर उतर चुकी है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री को नाइजीरिया और नेपाल ब्लैक लिस्ट करने वाले हैं, जिस कारण भारत के एक्सपोर्ट को काफी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।